हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। गाइस, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा कैसरोल जो कि अंदर से स्टील में भी है और माइक्रोवेव सेफ भी है। जी हाँ, मैं बात करूँगा इस माइक्रो स्मार्ट कैसरोल बाय जेपी। जेपी एक ऐसा कंपनी है गाइस जो कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करता है। गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर ये प्रोडक्ट्स बनाता है। सो गाइस, विदाउट एनी डिलेइंग, ये कैसरोल है जिसमें कि दो वेरिएंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ। एक है गाइस 1 लीटर में और दूसरा है गाइस 1.5 लीटर में। सो गाइस, एक एक करके मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ, आपको इसके रिव्यू देता हूँ। सो गाइस, इस तरीके से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 1 लीटर वाला कैसरोल ओपन कर रहा हूँ। गाइस, इस तरीके से इसकी पैकिंग है जो कि प्लास्टिक के कवर के अंदर है। नॉर्मल पैकिंग है गाइस, ज़्यादा कोई इसमें थर्माकोल की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ब्रेक रेजिस्टेंट होता ही है, इसमें कोई ब्रेकेज का प्रॉब्लम आती ही नहीं है। गाइस, इस तरीके से काफ़ी सुंदर और काफ़ी स्टर्डी ये कैसरोल है जो कि 1000 ml के अंदर है। मैंने अभी ओपन किया है गाइस, जेपी का है। इस तरीके से गाइस, इसका लिड है जो कि 4 लॉक्स के अंदर है। आप इसे कहीं पे भी रख के इस तरीके से इजीली आप इसे लॉक कर सकते हैं और ऐसे करेंगे तो अनलॉक हो गया। उसके बाद गाइस, इसे मैंने खुला है, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, प्योर प्रॉपर स्टील के अंदर है। इवन माइक्रोवेव सेफ भी, आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। साइड में ग्रिप है कि इजीली आप इसे उठा सके, कि गर्म अगर हो तो आपको बाहर फील भी नहीं होगा। इस तरीके से गाइस, इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ है, आपने इसे कैसे यूज़ करना है। और मेन बात क्या है गाइस, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इसे पढ़ना चाहे इजीली इसे पढ़ सकता है। इसके बाद गाइस, इसके जो अब इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। साइड बाय साइड में बड़े वाला भी अनबॉक्स कर देता हूँ, उसका भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। गाइस, इस तरीके से बड़े वाला साइज है जो कि 1.5 लीटर कैपेसिटी है, उसे भी मैंने अनबॉक्स किया है। सेम इस तरीके से गाइस, काफ़ी इसका सुंदर लिड है और इसमें भी सेम गाइस इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है। गाइस, जब भी आपने इसे माइक्रोवेव यूज़ करना है, विदाउट लिड करना है, लिड के साथ माइक्रोवेव में नहीं डालना है। सेकेंड जो इसका की पॉइंट है गाइस, वो मैं आपको बताया तो यूसेज का, कि जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं माइक्रोवेव में या वैसे भी, तो इसमें अगर फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर के साथ आपने इसे माइक्रोवेव में नहीं रखना है क्योंकि फॉइल पेपर जो है वो माइक्रोवेव में नहीं रख सकते आप, वो फिर ख़राब कर देगा। सेकेंडली गाइस, इसे आप अप टू 5 मिनट्स तक माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, वो भी 600 वॉट्स तक। जो माइक्रोवेव का जो मोड होता है 600 वॉट तक ही, मतलब आप इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं अप टू। उसके बाद गाइस, इसे आप कभी भी कन्वेक्शन मोड पे नहीं यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रिल मोड पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, ओनली फॉर माइक्रोवेव यूज़ के लिए होता है ये, माइक्रोवेव मोड के लिए, जस्ट फॉर रीहीटिंग पर्पस के लिए गाइस। इस तरीके से गाइस, नीचे इसमें कंपनी ने अपना इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मेन बात गाइस, जो मुझे और आपको सबको बहुत अच्छी लगती होगी गाइस, मेड इन इंडिया। जी हाँ, मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट है और विद बाय जेपी है। इसमें दो साइज मैंने आप लोगों के सामने अनबॉक्स किए हैं, बहुत सुंदर है गाइस ये अपने आप में। मैं इसे ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसे ही सुंदर है, बट वाकई क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे ये कैसरोल्स है गाइस। बहुत अच्छे से इसका मेंटेन भी कर रखा है जेपी ने अपनी क्वालिटी को, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। जो मैंने अनबॉक्स किए हैं, दो मॉडल हैं, 1 लीटर एंड 1.5 लीटर। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिकल है और बहुत सस्ते रेट में, और इतनी बढ़िया क्वालिटी बाय जेपी है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो 1 लीटर कैपेसिटी वाला है, उसकी जो एमआरपी है फ्रेंड्स, वो है आपका 556 1 लीटर वाले की है, एंड 1.5 लीटर वाले की 689 है। दोनों में ही बहुत अच्छा और ह्यूज डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप उसे ओपन करके इसे डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आप इसे परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ओपन करके आप इसे चेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके जो मेन एडवांटेजेस थे, जो सब कुछ था, रिव्यू था, वो मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप और किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग या रिव्यूइंग चाहें तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।